हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज वीक। इन दिनों आपने खबर सुनी होगी कि कर्नाटक में हिजाब को लेकर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। कोर्ट में हिजाब पहनने को लेकर सुनवाई चल रही है, लेकिन जो जज इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं उन पर एक ट्वीट को लेकर कन्नड़ फिल्म स्टार चेतन अहिंसा को कर्नाटक पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लेकिन ऐसा चेतन ने क्या लिख दिया था कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, आगे इस वीडियो में हम विस्तार से इस मामले को समझेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि चेतन अहिंसा आखिर हैं कौन। चेतन अहिंसा कन्नड़ फिल्मों के जाने माने अभिनेता हैं। चेतन एक एंटी कास्ट एक्टिविस्ट हैं और जाति के आधार पर भेदभाव के खिलाफ मुखर रहते हैं। चेतन सोशल मीडिया से लेकर असल जिंदगी में ब्राह्मणवाद को खुली चुनौती देते हैं। चेतन का परिचय मैंने इसलिए दिया ताकि आपको उनकी गिरफ्तारी की वजह समझने में आसानी हो सके। चेतन को एक ट्वीट के लिए गिरफ्तार किया गया है। दरअसल चेतन कुमार ने 16 फरवरी को जस्टिस कृष्णा दीक्षित के बारे में अपने एक पुराने ट्वीट को रीट्वीट किया था। पुराने ट्वीट में जस्टिस कृष्णा दीक्षित द्वारा रेप के एक आरोपी को गिरफ्तारी से पहले जमानत देने और पीड़िता को लेकर विवादित टिप्पणी करने की बात कही गई थी। चेतन ने इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए इसे हिजाब विवाद से जोड़कर जस्टिस कृष्णा दीक्षित के बारे में कथित आपत्तिजनक बात कही। रीट्वीट में चेतन ने लिखा कि एक ट्वीट है जिसे मैंने लगभग 2 साल पहले कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बारे में लिखा था। जस्टिस कृष्णा दीक्षित ने दुष्कर्म के एक मामले में इस तरह की परेशान करने वाली टिप्पणी की थी। अब यही जज तय कर रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में हिजाब स्वीकार्य है या नहीं। उनके पास आवश्यक स्पष्टता है। चेतन ने जिस जस्टिस कृष्णा दीक्षित के बारे में लिखा है, दरअसल उन्होंने 23 जून 2020 को रेप केस की सुनवाई के दौरान आरोपी को जमानत देते हुए पीड़िता के बारे में कुछ विवादित टिप्पणी की थी। जस्टिस दीक्षित ने कहा था कि किसी भारतीय नारी को शोभा नहीं देता कि बलात्कार किए जाने के बाद वो सो जाए। बलात्कार हो जाने पर हमारी महिलाओं का व्यवहार इस तरह का नहीं होता। शिकायतकर्ता ये सफाई नहीं दे पाई कि कथित अपराध के दिन वो रात 11 बजे ऑफिस क्यों गई थी और उसने अभियुक्त के साथ ड्रिंक्स लेने पर एतराज क्यों नहीं किया। जस्टिस दीक्षित की टिप्पणी पर तब खूब विवाद हुआ था। महिला अधिकार संगठनों ने इसे पितर सत्तात्मक, बेहद मर्दवादी और ब्राह्मणवादी सोच करार दिया था। महिला अधिकार संगठनों ने सवाल पूछा कि पीड़िता पर ही दोष कैसे डाला जा सकता है। विवाद इतना बड़ा था कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस टिप्पणी को बाद में ऑर्डर से ही हटा लिया था। लैंगिक समानता की बात करने वाला कोई भी व्यक्ति जस्टिस दीक्षित के इस बयान को जायज नहीं ठहरा सकता। चेतन अहिंसा ने तब इसका विरोध ट्वीट के जरिए किया था और अब उसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए जस्टिस दीक्षित के बारे में आशंका जाहिर की कि भला ऐसा जज जो महिलाओं के बारे में ऐसी मानसिकता रखता है, वो महिलाओं से जुड़े हिजाब केस की सुनवाई करेगा तो उसकी पितर सत्तात्मक सोच और पूर्वाग्रह फैसले पर हावी हो सकते हैं। लेकिन ऐसी टिप्पणी को विवादित मानते हुए बेंगलुरु पुलिस ने चेतन को आईपीसी की धारा 505 सब सेक्शन 2 यानी कि दो वर्गों के बीच दुर्भावना पैदा करने या बढ़ावा देने वाला बयान और धारा 504 यानी कि शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने के तहत गिरफ्तार किया है। दोनों गैर जमानती अपराधों में दोषी पाए जाने पर 3 साल की जेल हो सकती है। लेकिन यहाँ सवाल चेतन की गिरफ्तारी के तरीके पर भी उठ रहा है। चेतन की पत्नी मेघा ने फेसबुक पोस्ट के जरिए बेंगलुरु पुलिस पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। मेघा के मुताबिक 8 घंटे तक चेतन लापता रहे। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी और वो अपने पति के बारे में जानने के लिए एक थाने से दूसरे थाने के चक्कर लगाती रही। They have taken him, his phone is off, there is no sign of him and they are hiding his whereabouts. It one tarah kidnapping agide actually. This is kind of a kidnap. They just kidnapped him. Nobody has any clue where is he. Nobody is giving the right answers. मेघा के मुताबिक चेतन फिलहाल न्यायिक हिरासत में है और उनकी जमानत याचिका पर शुक्रवार को फैसला आ सकता है। लेकिन यहाँ ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या चेतन अहिंसा को जानबूझकर निशाना बनाया गया है। चेतन कुमार इससे पहले भी ब्राह्मणवाद की आलोचना करते रहे हैं और उसके कारण उन पर 2 FIR दर्ज हुई थी। उनके खिलाफ जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग थे उन्होंने FIR दर्ज कराई थी। चेतन ने उस समय ब्राह्मणवाद को न्याय, भाईचारे और समानता के खिलाफ बताते हुए पेरियार और डॉक्टर अंबेडकर के कथनों को शेयर किया था, लेकिन बीजेपी से जुड़े लोगों ने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत करा दी थी और तब भी उन्हें खूब परेशान किया गया था। उन्हें थानों के चक्कर लगाने पड़े थे, लेकिन बावजूद इसके चेतन लगातार ब्राह्मणवाद की बखिया उधेड़ते रहे। जाति भेद पर वो खुलकर बोलते रहे और लिखते भी रहे।
बाबा साहब जैसे बहुजन नायक और नायिकाओं के विचारों की वो बात करते हैं, अपनी फेसबुक प्रोफाइल या ट्विटर पर उनके बारे में लिखते हैं। ऐसे में सवाल तो जरूर पूछा जाएगा कि कहीं चेतन को टारगेट तो नहीं किया जा रहा, और क्या बेंगलुरु पुलिस की ये कार्यवाही ब्राह्मणवाद पर चोट करने वाली आवाज को दबाने के लिए तो नहीं हुई है। आपका इस बारे में क्या सोचना है कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। आपसे अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसको शेयर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों।